देश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन बाराबंकी जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। विभाग के अधिकारियों की तरफ से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग के एक फूड इंस्पेक्टर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम घूस लेने की बात कर रहा है। बता दें कि इससे पहले भी इस विभाग पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, जिसमें विभाग की अभिहित अधिकारी के ड्राइवर के द्वारा भी वसूली करने की बात सामने आई है और उस समय का वीडियो भी वायरल काफ़ी हुआ था। और ये वायरल वीडियो में खाद्य सुरक्षा विभाग के एक फूड इंस्पेक्टर अनिल पाल का है, जिसने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत होने पर रिश्वत की रकम को और बढ़ा दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में फूड इंस्पेक्टर अनिल पाल ने लाइसेंस रिन्यूअल करवाने वाले बाराबंकी के मसवली निवासी बेकरी व्यवसायी विजेंद्र कुमार गुप्ता को बाराबंकी शहर बुलाया। यहाँ एक निजी रेस्टोरेंट में उन्होंने विजेंद्र से कहा कि तुमने अब 5,000 का खर्चा और बढ़ा दिया है। फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं श्री अनिल पाल जी, उनके द्वारा एक व्यक्ति के जांच के नाम पर कहा जा रहा है कि अब इसमें खर्चा बढ़ गया है। प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रार्थी से जो जिसके यहाँ पे जांच का मामला था उससे उन्होंने बताया कि अब खर्चा बढ़ गया है और सही झूठी रिपोर्ट लगानी पड़ती है। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया और मुझको शिकायती पत्र प्राप्त हुआ, तत्काल मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी को शिकायती पत्र अपने पैड पे के साथ संलग्न करके उनको दिया और दिया। जिलाधिकारी बाराबंकी ने तत्काल गंभीरता, इस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। देखिए, मुझे मौखिक दूरभाष के आधार पर इस प्रकरण का की जानकारी कल हुई थी और उसके आधार पर, चूंकि मुझे जितने तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई थी उसके आधार पर मैंने एक लेटर जारी कर दिया उनको। न केवल स्पष्टीकरण उनको उनसे मांगा गया है उस आधार पर, और बल्कि उसमें जनपद के उच्च अधिकारियों को भी उसमें प्रतिलिपियाँ प्रेषित कर दी गई हैं। और उसके आधार पर अगर कोई प्रक्रिया से का उल्लंघन किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है, और इस तरीके का अगर कोई भी अनुचित प्रकरण पाया जाता है उसमें पूरे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।